अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना सबक नंबर 6, खून का बदला, शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे पहला जो सवाल है, ख़ास अल्फाज। पहला लफ्ज़ लतपत, हुजरा, निढाल, नकाहत, दीवानावार, लहजा बा लहजा, मलाल, गाफिल, बदबخت, मोहलिक, रफा, दस्तूर, कारी, नदामत, आरजू, इंतकाम, हसरत, बिफरा हुआ। इसके बाद हम लोग मुश्किल अल्फाज के मानी हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड पर आपको नज़र आएंगे। सफ़ा नंबर 175, 175 पेज नंबर। सबसे पहला जो लफ्ज़ है, आरजू का मानी तमन्ना या ख्वाहिश, इंतकाम, बदला या पादाश, बिफरा हुआ, सख्त गुस्सा या सख्त नाराज, आग बगोला होना, बदबख्त, बदनसीब, बदकिस्मत, हुजरा कमरा या कोठरी, हसरत अफसोस या ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हो, दस्तक दरवाज़ा खटखटाना, दस्तूर कायदा या कानून, दीवानावार पागलों की तरह, रफा करना दूर करना, शिद्दत सख्ती या कसरत जब्त बर्दाश्त करना, ज़र्ब चोट या सदमा, गाफिल बेफिक्र, कारी गहरी, लत पत आलूदा, लहजा ब लहजा, लम्हा ब लम्हा, मलाल रंज या गम को कह सकते हैं, मोहलिक मारने वाला या हलाक करने वाला, नदामत शर्मिंदगी, निढाल थका मानदा, नकाहत कमज़ोरी। जी बेटा, ये हमारे अल्फाज मानी भी मुकम्मल हो गए। आप लोगों ने ख़ास अल्फाज और अल्फाज मानी अपनी अपनी कॉपीज पर नोट कर लेना है। इसके बाद अगले साइड की तरफ चलते हैं। तो जहाँ ये आपकी इसलिए उर्दू पैराग्राफ है, जहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है, खून का बदला शुरू हो रहा है, उसके बिल्कुल फर्स्ट पेज पर पहला सफ़ा जो है, उसकी पहली 4 लाइनों की आप लोगों ने इसलिए उर्दू करनी है। इसलिए उर्दू का पैटर्न हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ इसको कैसे अटैम्प्ट करना है। तो इसमें जो आपके सामने नज़र आ रहा है, मुराद खान खून में लतपत, तो अल्फाज जो हैं जिसको अंडरलाइन करने हैं, इसके मीनिंग लिखने हैं। लतपत पहली लाइन पर, लतपत इसी लाइन के आखिर में, हुजरे, हुजरे का मानी कमरा या कमरे। दूसरी लाइन में निढाल लफ्ज़ है, निढाल का मतलब कमज़ोर। इसी दूसरी लाइन के आखिर में लहजा ब लहजा, लम्हा ब लम्हा। तीसरी लाइन पर जर्द, रंगत जर्द यानी रंगत पीली हो गई थी। नकाहत इसी लाइन के आखिर में नकाहत दिया हुआ है। तीसरी लाइन में नकाहत के मानी कमज़ोरी। और ये तकरीबन इस पैराग्राफ और पैराग्राफ जो ख़त्म हो रहा है चौथी लाइन पर, सब लोग खामोश हो गए। पहली लाइन से लेकर चौथी लाइन तक इन 4 लाइन्स की आप लोगों ने इसलिए उर्दू कर दी है। तो ये बेटा आप लोगों का जमात का काम जो है मुकम्मल होता है, अल्फाज मानी, ख़ास अल्फाज, इसलिए उर्दू। इसके साथ घर के जो काम है वो आप लोगों ने मुकम्मल सबक की पढ़ाई करनी है, और इसके साथ इस चैप्टर का, इस सबक का खुलासा आप लोगों ने होमवर्क में लिखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सबक की समझ आ गई होगी, और आप लोग अपना मुकम्मल काम करिएगा। अल्लाह हाफिज़।